सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने सीओ टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र चुनाव के पहले महायुति में भूचाल, अजित पवार ने छोड़ी कैबिनेट मीटिंग। थाने में इंसानियत तार तार, शक और बच्चों की कस्टडी को लेकर दो अबलाओं की हत्या। शिंदे सरकार का चुनाव से पहले लाडली बहनों को एक और तोहफा, 15 अक्टूबर तक बढ़ाई आवेदन की तारीख। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र चुनाव के पहले महायुति में भूचाल, अजित पवार ने छोड़ी कैबिनेट मीटिंग। महाराष्ट्र में चुनावों के आहट के बीच एक बड़ी खबर के अनुसार बीते 10 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सिर्फ 10 मिनट के भीतर ही एक कैबिनेट मीटिंग छोड़कर चले गए थे। पवार के इस तरह अचानक बैठक से चले जाने के बाद मीटिंग में कई बार इस फैसले लिए गए। ऐसा भी दावा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ सुझाव रखे जिनसे अजित बिल्कुल सहमत नहीं थे। इसे लेकर दोनों में नोकझोंक भी हुई और फिर अजित गुस्से में इस कैबिनेट मीटिंग को ही छोड़कर चले गए। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। थाने में इंसानियत तार तार, शक और बच्चों की कस्टडी को लेकर दो अबलाओं की हत्या। महाराष्ट्र के थाने में बच्चों की अभिरक्षा को लेकर अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में 41 वर्षीय व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। मामले पर पुलिस ने बताया कि बीते शनिवार को मीरा रोड निवासी दंपति नादिम खान और उसकी पत्नी अमरीन दो के दो बच्चे हैं जिनकी आयु 10 साल एवं 2 साल है। वही बच्चों की अभिरक्षा को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा था। इस बाबत पुलिस ने बताया कि महिला बीते शुक्रवार को मदद मांगने पहुंची थाने गई थी, जो कि तब पुलिसकर्मी व्यस्त थे। तो महिला ने उनसे कहा था कि वह कुछ देर बाद लौटेंगी तथा वह अपने बच्चे से मिलने के लिए नजदीक के एक स्कूल चली गई थी। पुलिस ने बताया कि स्कूल जाने के रास्ते में नदीम का अमरीन से झगड़ा हो गया और उसने चाकू घोप कर अमरीन की हत्या कर दी। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। शिंदे सरकार का चुनाव से पहले लाडली बहनों को एक और तोहफा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी महाराष्ट्र की महायुति सरकार महिला वोटरों पर विशेष ध्यान दे रही है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान की तर्ज गेम चेंजर लाडली बहन योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की घोषणा की थी। माना जा रहा है कि ऐसा योजना के लिए सरकार द्वारा दिया गया आखिरी विस्तार हो सकता है। अब 30 सितंबर की पिछली मियाद तक जिन महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है 15 अक्टूबर 2024 की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे, लेकिन ये आवेदन केवल आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से ही भरे जा सकेंगे। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस यूटीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर देखते हैं, यूट्यूब लाइव भी दे सकते हैं। अब वक्त चला दर्शकों, ब्रेक खबर से लौटने के बाद देखिएगा देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस यूटीवी पर। हाय, हेलो, नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस।